मंत्री साहब बारे दसदा, तुसीं होर हैरान हो जाओगे। साडे नाल काफ़ी देर तो जुड़े हुए हैं, पिछला इलैक्शन भी लड़े से। इन्हां दे जिहड़े पिता जी है वो ब्याहां दे विच बैंड बाजे बैंड बजाउंदे जी, ते उन्हां दा बेटा अज मंत्री है जी बिजली दा। हुण भी करना सो एक बैंड वाले बैंड बाजे वाले बंदे ने अपने बेटे नूं पहला पढ़ाया, ETO बने, एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर। फिर वह सारा वो छड़ के नौकरी छड़ के राजनीति च आ गए, राजनीति च आके कामयाब हो गए। सो परमात्मा सच्चियां नीतां नूं मुरादां दिंदा। वो मजदूर सीगा, मजदूरी करता सी, ते उन्हें आख्या यार अगली पीढ़ी भी मजदूरों की ही आ रही है फिर अपनी, तो भी क्यों ना कुछ बदल दिए, थोड़ा जहा मैं ढिड बन के गुजारा कर लैंना, मैं घट खा लैंना, तो थोड़ा जहा ओवर टाइम ला दिया करूँगा, बच्चे नूं पढ़ा लीए, बच्चे नूं पढ़ाउण लग गया, आप थोड़ा जहा घट खाण लग गया, खर्चे घटाते कर दे। तो बच्चा बहुत इंटैलीजेंट सी, बच्चा पढ़न लग गया, तो जज बन गया जी बच्चा। बड़ी खुशी हुई इलाके, जो मजदूर का बेटा जज बन गया भाई, उन्होंने भी खुशी हुई बहुत भी मेरा बच्चा जज बन गया। पीढ़ी बदल गई साड़ी। जिस दिन जज साहब ने कुर्सी पर बहना सी उस दिन वो भी चला गया, बापू भी, मेरा बेटा अज कुर्सी पर बैठूगा, मैं जाना। ऐदा कुर्सी पर बैठा पिछों दरवाज़ा खुलता सी, चैंबर चबदे चाहे बैठे सी, तो पिछों आके मोढ़े ते हथ रख के अपने बच्चे दे कहना बेटा बहुत बहुत बधाइया, कहना थैंक यू बापू जी, धन्यवाद। कहना हुण तू ये दस सच्चे दिलों भी इस वक्त सब तो खुश नसीब तो सब तो दुनिया च ताकतवर बंदा भला कौन होगा? वो कहना बापू जी मैं हाँ, मैं जिन्हों मर्जी बरी करदा, जिन्हों मर्जी सजा कर। उन्हें फिर पूछा बापू ने एक बार फिर दस दिया, इस वक्त दुनिया सब तो ताकतवर तो सब तो वध खुश नसीब बंदा कौन हो सकता? वो कहना बापू जी मैं। चलो ठीक है, कहना पुत बधाइया बहुत बहुत। वो वापस जान लग्या, वो डोर को जाके फिर पूछ लिया उत्थे खड़ के, कहना दस दे एक बार फिर, इस वक्त सब तो ताकतवर तो सब तो खुश नसीब बंदा भला कौन हो दुनिया च? वो कहना बापू जी तुसी हो। वो मुड़िया कहना 15 सेकेंड पहला भी गल पूछी सी, यही 2 बारी पूछी सी, उदो तू अपना नाँ लिया सी, हुण 15 सेकेंडां तू मेरा नाँ लैण लग गया। वो मुंडा कहना बापू जी जो तुसी पहला गल पूछी सी ना उदों तुहाडा हथ मेरे मोढ़े ते सी, कहना जदों तुहाडे वर्गे बाप का आशीर्वाद ते बाप का हथ मोढ़े ते होवे ना उस तों वध पावरफुल ते उस तों वध खुश नसीब बंदा नहीं हो सकता। पर जदों तुसी दोबारा पूछे उत्थे जाके उदों तुहाडा हथ मेरे मोढ़े ते नहीं सी, उदों पावरफुल फिर तुसी। साडे मां प्यो, साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी, साडे पाक पवित्र ग्रंथ, साडे शहीदां दा आशीर्वाद साडे मोढ़े ते है, अपने तो वध खुश नसीब ते पावरफुल होर कौन हो सकता जी? इन्ना विरसा पिया अपने कोले। सो उन्हां नूं जे नाल लैके आपां उन्हां दे आशीर्वाद नूं नाल लैके चलीए तां मेरे ख्याल च नहीं कोई कमी रहेगी, नहीं तो आपां तां गुआंढियां ते लगी जांदे रहिंदे आ। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, किसी बंदे ने भगती की देवता प्रगट हो गया, कहते मैं तेरी भगती तो बहुत खुश हाँ, मंग की मंगना है, कहना पर एक गल ध्यान रखी, तेरे गुआंढी ने दुगनी भगती की है, चल हूँ मैं आया तो हुई हाँ थोड़े महल्ले, जो मंगेगा वो तो दुगना उन्होंने मिलेगा, छेती कर। मैंटैलिटी देख लो अपनी। वो कहना जी मैनू एक कख तो काना कर दो ते मेरे घर मूहरे एक खूह पट दो, इहदा मतलब वो अन्ना होगा तो 2 खूह पट्टे जाणगे, वो तो डिगू ही डिगू जी, आप काने होना मंजूर पर उहदी तरक्की नहीं जरनी। ये जिहड़ियां ईरखा वालियां शरीकेबाजी वालियां आपां गल्लां छड के उहनूं भी तरक्की कर लैण दिओ, आपां भी तरक्की करिए, किसी की लाइन छोटी करके अपनी लाइन वड्डी करन नाल लाइन वड्डी नहीं हुंदी,
जे दोनों लाइना वड्डिया होणगियां तां समाज तरक्की करूगा। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने यही उन्होंने सुपने सी कि आज़ादी तो बाद मुल्क किहड़े हत्थां च जाऊगा, जिहड़ा चंगे हत्थां च चला गया तां मुल्क तरक्की कर जूगा, नहीं तां फिर सत्ता दा परिवर्तन ही होऊगा, चमड़ी वो बदलूगी, पहले वो लुट्टी जाते सी हुण ये लुट्टी जाते हैं, ठीक है ना। सो कहा जा कुछ आप हुण देखण नूं मिलदा आपां कि 5,000 करोड़ का घपला, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, बल्कि लोगों के दिमाग भी इन्ने तह चकते 5-7 करोड़ के घपले की खबर भी पढ़नों हट गया, अपना भी तो कोई छोटा मोटा चोर होना कोई होर पढ़ यार, दिमाग चकते लोगों ने तह। सो इस करके जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ इत्थी रह जाना है। पर बड़े बड़े दुनिया जितना आए सीगे वो भी खाली हथ गए ने। पात्र साहब का शेर है, इन्ना सच ना बोल के कला रह जावे, चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देण लई। सो सच्चे नूं तां कोई कहिंदे वी शमशान घाट भी नहीं लैके जांदा, पर सच्चाई का मुल जिहड़ा पैंदा ही पैंदा है। सच का सूरज नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना, रात लम्मी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता, जिन्ह के लखा तो करोड़ों बन जाते हैं वो मैनू बुलाते पे ने जा सकता वा पर नहीं जाता। साहां दा भार ही सब तो वध भारी है मैं परख लिया, साहां दा भार ही सब तो वध भारी है मैं परख लिया। जरा सोचो डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता। सो ये सह जड़े ने देश के दे लेखे ला दिए, जिन्ने करेंदे ने वो अपने वतन के लेखे ला दिए। मैनू एक बंदा कहता जी हजे कहता देख लो वो फलाना फलाने दफ्तर च कहता हजे पैसे लेंदे है जी, वो फलाने थावें भी कहता जी सुनता नहीं अफसर। मैं कहा भी जिहड़ा बूटा का फीता है उन्हू एक बारी गंढ दे लो, जे 4 दिन ना खोलीए वो बूटा के फीते नू तां आपां नू ना चाकू नाल जां चमचे की डंडी फसा के खोलना पैंदा है, वो गंढ पक जाती है। मैं 4 दिन पुरानियां गंढां ऐं खोलनियां पैंदियां ने, तुसीं मैनू 70 साल पुरानियां गंढां फड़ाती, मैं खोली जाना हौली हौली, टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा खोल लांगे पर आपां, ठीक है ना। सो इस गल की मेरे वल्लों गरंटी है कि कोई गलत जिहड़ी अपॉइंटमेंट जां गलत सिफारिश करके कोई गलत बंदा नहीं, किसी का हक मार के नहीं मैं किसी नूं, क्योंकि मेरे लिए सारा पंजाब इक्को जिहा, मेरे लिए मेरे सके भी उद्दे ही ने। सो इस करके क्योंकि मैनू पता है जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी साडे देश नूं लगी हुई सिउंक है वह गरीबी है, और गरीबी च की कर लैंदा बंदा। मैं एक गल पार्लीमेंट च भी बोली सी, साडे पिंडां वाल दी गल है, धी दा विआह करना सी, गरीब परिवार सी, कोई आड़ती नाल भी वह कहिंदा वी मैं हुण इतों वध किन्ने क देवां तैनूं, तेरे कोल फसल ही है नहीं हुण इतों वध, ते ना कोई इधरों उधरों मिले, विआह करना है। तो एक दिन वह शहर गया बंदा, तो आके आपदी घरवाली नूं कहिंदा वी भगवान ने 50,000 रुपये का प्रबंध हो गया तो आप हुण विआह कर दिंदे बेटी का। चल कहिंदी शुक्र है, कहिंदा किसी ने मैनूं दवाते किसी तो, कहिंदा ठीक है विआह करता। 2 महीने बाद विआह बहुत वधिया हो गया, चलो 2 महीने बाद बुखार चढ़ गया उन्हूं बंदे नूं, डाक्टर दे लैके गए, डाक्टर ने चैकअप करके दस्या, डाक्टर ने पूछा जी थोड़ी सज्जी किडनी कित्थे है, सज्जा गुरदा है नहीं। तो उहदी घरवाली ने पूछा भी दस भी सज्जी सज्जा गुरदा कित्थे है, सज्जी किडनी कित्थे है। वह कहिंदा भगवान ने हुण तां तैनूं मैं सच दस सकदा, जिहड़ा उदों 50,000 मिलिया सी भोली दे विआह वास्ते उहदे किडनी वेच के आया सी। आ हालत है जी गरीबी की, किडनियां वेच वेच के धीआं दे विआह कर रहे। तो आपां यार इत्थे पता ही नहीं लोगों को किन्ना पैसा फिर लुट्टी जांदे आ, इधरों भी आ जाण इधरों भी आ जाण नाल ले जाऊंगे यार। एक चपड़ासी की नौकरी निकली, वो वास्ते
मैक्सिमम क्वालिफिकेशन दसवीं सी मैट्रिक, 32 लाख स्टूडेंटा ने उम्मीदवार ने अपलाई किया, एक भी दसवीं वाला नहीं सी। MSc PhD MTech एक नौकरी वास्ते, PN दी ओ भी नहीं दिती होनी उन्होंने किसी मतलब योग उम्मीद, वह भी आपके किसी चाचे ताया के मुंडी जवाक में ला गए होंगे। ताइयों फिर असं इतों भजदे ना भी चल यार छड़ यार, अदरवाइज कि आपका मुल्क छड़न की दिल करता जी। सो मैं थोनों ये गल अज कह रहा कि किसी की पक्की देख के कच्ची नहीं ढोनी, जिन्ना परमात्मा का शुक्र करो जिन्ना कुछ हैगा उन्ना ही बहुत है। हाँ किसी की बददुआ ना लो, किसी का हक ना मारो, परमात्मा कदे घाट नहीं रखता। एक बंदा सी बजुर्ग मतलब मजदूर सी, अपने कोले